चैलेंज शुरू होने में भी 5 मिनट बाकी है, मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। आई हैव नो क्लू 24 आवर्स कैसे जाने वाले। हाश, पंखा चालू हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग। और आज मैं एक बहुत ही वियर्ड सा चैलेंज करने वाली हूँ, विच इज लिविंग इन माई बालकनी फॉर लेजिट 24 आवर्स। आई एम एक्साइटेड बट आई एम ऑल्सो नर्वस क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने ना ये जितना सेटअप किया उतने में इतनी ज्यादा गर्मी लग गई है, बट स्टिल मैंने कभी ऐसा चैलेंज नहीं किया। मेरे घर वालों का कहना है मेरे पाँव में छर्री भवरी जो भी आप लोग बोलते हो वो है, लाइक मुझसे नहीं बैठ सकता। मैं एक जगह एडिट भी कर रही हूँ तो मैं आधे घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बैठ पाती, मुझे सब होता है थोड़ा राउंड लगा लेते हैं, कर लेते हैं। और हाँ, मुझे सबसे ज्यादा ऑकवर्ड इसलिए लग रहा है कि पता नहीं मेरे सोसाइटी वाले मुझे जज करेंगे कि इसके पास घर है फिर भी बालकनी में क्यों बैठी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन में तो मैं बहुत ज्यादा बालकनी में टाइम वो करती थी, वेस्ट ही किया मैंने, वैसे वेस्ट करती थी। तो मैंने ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे बेडशीट लगा के एक अपना घर जैसा बना लिया है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मैं ना घर घर खेल रही हूँ, पर बस मुझे इससे पैसे मिलने वाले हैं। चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया, बस मैं सुबह उठी हूँ और मैंने एकदम नहा के मैं से गुड गर्ल बन गई हूँ। और बहुत ऐसी भारी सी, ये ऐसा लग रहा है मैंने कोई डॉन लोगों की चेन चुरा के पहनी, जानवी ने मंगवाई थी तो मैंने पहन ली है। अरे सूरज अंकल क्या कर रहे हो, और आज आप मेरे सर पे रहने वाले हो क्या? वो क्लाउड्स लाओ ना अपने बीच में जो आप लाते हो नॉर्मल दिनों में। भाई साहब बहुत ज्यादा ही धूप है, और पता है वो वाला जो मौसम होता है ना, जैसे उस पर क्लाउड्स आ जाते हैं इससे सन पे, फिर क्लाउड्स चले जाते हैं, फिर क्लाउड्स आ जाते हैं, मुझे वो वाला मौसम बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं अब इसे ना कल सुबह ही क्रॉस कर पाऊंगी। उसके बीच में मैंने 2 से 3 वॉशरूम ब्रेक दिए हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मुझे ऑब्वियसली बात है पानी मैं ज्यादा पीऊंगी, और मेरी स्किन का तो आप हाल देख ही रहे हैं, तुम हुस्न पड़ी तुम जाने जहाँ टाइप्स। चाय का इंतजार हो रहा है, ऐसा पिकनिक वाली फीलिंग आ रही है, और मुझे पिकनिक में काम भी नहीं करना है, वो लोग मुझे बना के दे देंगे। ओह मम्मी, आप तो चाय बनाने के, मैं बोल रही थी मुझे बनी बनाई चाय मिलेगी, पर यहाँ तो मुझे बैठते ही काम दे दिया गया है। मुझे आके सवाल नहीं दे, आप बैठ के कुछ कर नहीं रही है तो चाय बना दे। मम्मी लैपटॉप नहीं, एक बात बताओ कि मैंने यहाँ मेरी होटल खोल रखा है। हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद गोपाली। नाइस, स्विच्ड द यूटेंसिल। अरे हुआ 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 हुआ, चलो हम बेवकूफ थे, हमें समझ। बाकी जो हमने बर्तन रखे थे वो भी इंडक्शन की। अब ज्यादा हो जाएगा, जल्दी कर। अब चाय बना लेते हैं जल्दी से। मम्मी इलायची तो दे दो। तुझे डर क्यों लग रहा है? नहीं, वो मैंने ये रख दिया, कुछ नहीं होगा जानवी, चिंता फिक्र मत कर, अभी तेरी बड़ी बहन तेरे साथ है। सबकी चाय आज मैं बना रही हूँ, ये लोग मेरे घर पे आ गया तो मुझे चाय तो पिलानी पड़ेगी। मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है मैं घर घर खेल रही हूँ बस असली चीजों के साथ। ये बर्तन भी घर घर जैसा ही है ना, बर्तन भी ऐसा लग रहा है खिलौने वाला है, इसको भी घिसेंगे जिन निकलेगा इसमें से। क्या तुझे नहीं पता, तूने नहीं पढ़ी अलादीन की चिराग की कहानी? ये काट जानवी, तूने आते ही ना गंद मचा दिया है। मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी। क्या ये क्या मतलब है? ये थोड़ी घर छोटा, मेरा घर छोटा है बताओ? लोग आजकल बहुत फैला के देखना, अभी जो काम की नहीं उसको यहाँ से हटा ना। घर छोटा है, घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। ये मेरे हाथ की चाय सब ठीक कर देगी। ज्यादा जोर से लगी, ये तुम्हारे सर में लगा देती। ये क्या, कोई पूछा कितनी? अगर आपसे कोई पूछता है कहीं लग जाएगी, ज्यादा लग गई, कितनी लगी, तो ये कौन जवाब देता है कि तुम्हारे सर में लगा के दिखाओ? मम्मी कहती तुम्हारे सर में लगा के दिखाओ। मैं नहीं जा सकती, एक छोटी सी चीज प्रिंगल्स का डब्बा चाहिए जो बेड पे रखा हुआ है खुला, तो जानवी मुझे कहती जा। अब कैसा लग रहा है, आई ना सा जो मुझे तुरंत ऑर्डर दे दिया जा।
हमारे घर से जा चुके हैं और ये बोल के कह के तुम्हारा घर बहुत छोटा और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। भंगार वाले अंकल आ गए हैं, जानवी को देने का टाइम आ चुका है। हेलो गाइस, तो मुझे ना रील्स बनानी है। मैं पता नहीं कितने नंबर भी बार बोल रही हूँ, पता नहीं मैंने इससे पहले कितने बार कट भी कर दिया होगा। तो एक मिनट, पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो अभी ना 1:48 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ना 12:47 के अराउंड सोचा था कि अरे एक बजे से रील्स बनाने बैठूंगी। दो तीन है, फनी फनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना देखने के लिए। तो 12:47 पे सोचा था, फिर वो क्या हुआ, एक बज गई, मुझे पता ही नहीं चला कब एक बज गई। तो मैं सोचा डेढ़ बजे बनाएंगे, डेढ़ बजे मैंने मिस कर दिया। अब मैंने देखा है 1:42, अब मैं कह रही हूँ दो बजे बनाएंगे, फिर दो बजे मैं फिर मिस कर दूंगी। सो मतलब आलस करने के लिए मैं हर तरीके की एक्सक्यूज ढूंढ सकती हूँ। आप अपना मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में, तो क्या मुझे ऐसे अकेलापन नहीं महसूस होगा इसमें। बट हाँ, मैं बना लूँगी आज, पक्का बना के डालूंगी, क्योंकि आज मैंने डॉन से चेन भी चुरा के पहनी हुई है। मैंने जिन जिन को वीडियो कॉल किया ना, मेरे फ्रेंड्स इतना हंस रहे हैं, मैंने ऐसे डॉन वाली मैं इसे उतार देती हूँ। मुझे खुद को बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कोई डाका वाका डालने जाऊंगी ये चैलेंज खत्म करते ही। इट्स टाइम फॉर बालकनी कम हाउस टूर। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कॉर्नर में प्लांट्स रखे हुए हैं, उसके पास यहाँ ट्रे में चाय पत्ती, चीनी, अदरक, मेरा चटरपटर, इंडक्शन और ये गंदे से मैले से बिना नहाए धोए जानवी जैसा पंखा रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा एक ट्राईपॉड रखा और वो एक कपड़ा रखा हुआ ताकि कुछ मैं गंदा वंदा करती रहती हूँ साफ हो जाए। यहाँ पे इस टेबल पे मेरा ये कप रखा हुआ, इसमें मैं थोड़ा बहुत पानी पूनी ऐसे वगैरह पीने के लिए, प्रिंगल्स हैं, बनानाज है और ये सारी ये बेबी क्रीम है मेरी। मुझे हाथ में पता नहीं क्यों सैनिटाइजर लगा लगा के ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्किन निकलती जा रही है। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, हम तो चक्री बोलते हैं आई गेस, इसको एक्सटेंशन रखा हुआ है ताकि फैन और सारी मेरी कैमरे की बैटरीज वगैरह चार्ज होती रहे। पे हमारा बेड जैसा गद्दा, मतलब गद्दा डाला हुआ है बैठने उठने लेटने के लिए, कंफर्टर पड़ा है, तकिया पड़ा है। और ये हमने ना ये ऐसे कुछ है यहाँ पे तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, पेंट वेंट निकल गया है। तो इज्जत बचाने के लिए वैसे तो रखा था पर इज्जत बच नहीं रही हमारी। और यहाँ पे भाई प्लांट्स वगैरह हैं, यहाँ पे मेरा फिर थोड़ा चक्कर चक्कर और पानी रखा हुआ है, प्लांट है। ये बैग में मेरी डायरी वायरी रखी हुई है कुछ लिखना विखना हो तो। यहाँ मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, काम करना ही है पर मैं कर नहीं रही हूँ। और आपको बताना, आप ये देख पा रहे हो इस तरीके से मैंने एक वो बना दिया, पर्दा बना दिया ताकि दो की लड़ाई हो रही है, इनका बिग बॉस चल रहा है मुझे लगता है। एंड बस आई एम जस्ट चिलिंग, ऐसा लग रहा है मैं पिकनिक पे आई हूँ। कुछ किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यही है जानवी, पड़ोसी इतने गंदे हैं, पड़ोसी ने अभी तक नहाया भी नहीं है। जानू प्लीज ला दे, प्लीज ला दे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। इसकी शक्ल दिखाती हूँ मैं। चालू पता है ये ना मेरे ही आइडियाज, मैं जो इसके साथ जानवी तो बहुत अच्छी है, जानवी तो बहुत अच्छी है, तेरे जैसी बहन कोई नहीं। नीचे सबटाइटल्स मुझे ऐड करने आते हैं। और अच्छा अच्छा बोल, पहले इंप्रेस मी का भी दूंगी, इंप्रेस यू, इसको इंप्रेस करने के लिए एक अच्छी चाय। अच्छा चल, मेरे लिए है ना एक मैक मैक कॉस्मेटिक का फाउंडेशन ऑर्डर कर। बर्थडे आ भी गई है तेरे, बर्थडे पे ना मैंने देखो ट्राइपॉड लाके दूंगी। नहीं जा मत कर, मैं को दो रील बनानी है, वो दो रील में वैसे इंस्टाग्राम फीचर नहीं करने वाला। जल्दी 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 मम्मा। गाइस मुझे ना एक कप की जरूरत है और पानी की जरूरत है, हम ट्राई करते हैं, जानवी को बोलते हैं। मेरी बात सुनना, पानी की बोतल दे दे। जानवी पेट में दुख रहा है, दिस इज नॉट अ नाइस एक्सक्यूज, फाइंड अ नाइस एक्सक्यूज प्लीज। ये हम नर्सरी में बोलते थे जब स्कूल नहीं जाना होता था, पेट में दुख रहा है। हाँ गाइस एक अजीब बात आप लोगों को मुझे बतानी है, सुबह जब मैं यहाँ पे आई थी 10 बजे के करीब, तब इतनी ज्यादा गर्मी थी और धूप सर पे ही थी बिल्कुल, पता नहीं बड़ा अजीब सा गंदा वाला धूप गर्मी वाला मौसम वगैरह। अभी भी धूप तो है पर गर्मी नहीं हो रही और सन ऐसे मेरे मुंह पे बिल्कुल ऐसे लाइट नहीं मार रहे हैं। अब आई एम फीलिंग बेटर क्योंकि सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था कैसे उठ जाएगा पूरा दिन, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। बट यार राइट नाउ इट्स वेरी नाइस, लाइक अच्छा अच्छा सा क्लाइमेट हो गया है भाई। बट अभी मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ बिल्कुल। लैपटॉप रखा हुआ है वहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें मेरी डायरी रखी हुई है, मुझे एडिटिंग भी करनी है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, यहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है, रील्स भी फिल्म करनी है। कल क्या सामने वाले लोग तारक मेहता देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में तारक मेहता धुआंधार। अगर बारिश होने लग गई, आप चाहती हो बारिश हो जोर से? मेरी इस चेन पे कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? ताला चाबी पे जानवी ने मंगाए थे, मैंने ना बहुत सारे लोगों को पाने देखा है, वो तो स्मार्ट लगते हैं। दुनिया में जो भी अतरंगी चीजें होती है वो ही पसंद आती है। दुनिया में अतरंगी, इसीलिए हमें आप पसंद हो।
मम्मी आप चाहती हो बारिश हो? आप मुझसे पांचवी बार पूछ चुके पाली, अगर बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा। पर मैंने अभी तक लंच नहीं किया क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा लेट हुआ था। जस्ट हैविंग अ बनाना। गाइज आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड्स, बहुत थोड़े से पानी से हम हाथ धुलेंगे। अरे हाँ, नल तो आपको दिख ही नहीं रहा था, ये हमारे पौधों का नल है और पानी ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए और हमने यहाँ बिल्कुल थोड़े से पानी से हैंड वॉश कर लिए हैं। जानवी, मेरा मुंह मेरे बेडरूम में है, बड़ा मेरा पाँव देख रहे हो अंदर, ये व्हाइट वाले को क्रॉसिंग है। जानवी ना पंखा चालू छोड़ के गई है, अब हम इसकी डांट लगवाएंगे। छोड़ के गई, जब कमरे में कोई नहीं तो पंखा क्यों चल रहा है? मैं पापा को फोन करती हूँ, इसकी डांट पड़ेगी। मेरे साथ घोर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, मम्मी को फोन लगा रही हूँ। एक मिनट, मम्मी आई है, मैं मेरे बाल ठीक करूँ। मम्मी बताओ, मैंने वीडियो कॉल की नहीं थी, वीडियो कॉल सुन लो भाई। मैं सो रही थी सर। आप सो भी गए थे यहाँ तो, एक नींद भी पूरी होती। जानवी इतनी सड़ी की बैठी, देखिए जरा इधर। तुझे है ना प्लस करना नहीं आता, वो भी कैलकुलेटर ना। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है, इनमें से किसी ने भी रियलाइज नहीं किया है, मच्छर नहीं है एक भी। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये मेरे लिए आज रात के लिए, आप लोगों को पता है? मैंने मुझे लगा था अगर मच्छर होंगे तो और ज्यादा स्यापा हो जाएगा, बट आज की रात हम बड़े ही मजे से यहाँ सोने वाले हैं, वो भी खुले में। मुझे बहुत ज्यादा मजा आती है, जब हम छोटे थे ना तो हम, मुझे बहुत बार तो नहीं याद है पर मैं एक ही दो बार मुझे याद है, एक बार तो मुझे ढंग से याद है कि हम लोग यहाँ सोए हैं ना मम्मी। आई गेस पावर कट था या कुछ तो था कि हम यहाँ, बहुत मजा भी आई थी और बहुत मजा भी आई थी, मुझे भी याद है। एक या दो बार तो हम लोग गैलरी में सोए जब हम बहुत छोटे छोटे थे, और मुझे याद है हम लोग छत पे भी सोते थे, छत पे तो सोते थे, बड़ी मजा आती थी। अब तो हमने छत पे सोना पता नहीं कितने टाइम से बंद कर दिया, पर छत पे सोने के अलग ही मजे हैं, खुले में मच्छरदानी लगा के। देन वी विल स्लीप पीसफुली, मैं बोल रही थी विल पीस स्लीपफुली। बड़े मजे आ रहे हैं, मम्मी मेरे साथ बालकनी में बैठी हुई और सामने गप्पे मार रही है। बट ना आई एम टायर्ड एंड आई जस्ट डोंट नो, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता, मैं दिन में एक बार नहा लेती, मुझे ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा काम खत्म कर, बट टुडे आई जस्ट फील लाइक टेकिंग शावर, क्योंकि मुझे गंदा गंदा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे दिन घर से बाहर हूँ, तो घर जाके अब वो नहाते हैं ना तो वैसे वाला वो फील हो रहा है। पंखा वहां हवा क्यों दे रहा है, इसे यहाँ कौन सा इमेजिनरी इंसान दिख रहा है? मैं यहाँ बैठी हूँ ठीक है, पंखा वहां अलग डायरेक्शन में हवा दे रहा है, मैं इसे कम से कम 10 बार घुमा चुकी हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, और ये पंखा बार बार घूम घूम के वही हवा दे रहा है। और एक और चीज, मुझे सबसे ज्यादा बड़ा डर ये है कि यहाँ पे रात को सबसे ज्यादा छिपकली आती है, और ऊपर आज क्योंकि लाइट चालू है, मतलब लाइट तो वैसे आई के नॉर्मली भी चलती है, पता नहीं मैं रात को कभी बालकनी में आई नहीं हूँ, पर कीड़े हैं छोटे छोटे से, तो कीड़ों की वजह से और छिपकली ना आए, एंड आई एम जस्ट स्कैर्ड। चलो दिन में तो मुझे, मतलब दिन में जैसे जब तक मैं जग रही हूँ मैं देख सकती हूँ, पर रात को मैं सो गई और अगर छिपकली आई, मतलब आई एम प्रिटी श्योर अगर मैंने छिपकली देख ली तो ये चैलेंज वहीं रुक जाएगा, छिपकली देखने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। और यहाँ पे तो ना वो गिरगिट भी आके बैठती है कभी कभी, जब मम्मी मुझे कढ़ी पत्ता तोड़ने भेजती है ना तब मैंने देखा हुआ है, तो आई एम जस्ट स्कैर्ड विद छिपकलीज एंड गिरगिट। बस क्या हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई रिले 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 रेस थोड़ी चल रही है। गुड नाइट कर दो फिर। गुड नाइट। गुड नाइट, मम्मा का सोने का टाइम हो गया है। आज मेरा अकेला बेड मिलेगा आज। जानवी जानवी कैसा महसूस है? बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। जानवी को आज अकेला बेड मिले, मेरे पास भी मेरा ये वाला अकेला बेड है। आज कुछ खाया क्यों नहीं है ये मम्मी? आज मुझे भूखी नहीं लग रही थी, लग रही है मैंने किया भी क्या आज, पूरे दिन यहीं पे तो पड़ी हुई हूँ। नहीं आज लंच में भी ठिकाना नहीं, डिनर में भी ठिकाना नहीं। अरे पत्ते भी हिल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है छिपकली आने वाली है। अरे इतनी सारी चींटियां भी से आ गई है, बहुत चींटियों और कीड़े हैं मेरे बेड पे, इतने सारे चींटियों और कीड़े हैं ना, सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे अभी तक तो सब बिल्कुल सही और नॉर्मल सही लग रहा था, पंखा बंद हो गया ना तो आजू बाजू की आवाज़ें और साफ आ रही है, और वो पीछे हाथों पर अब ना मेरे यहाँ हल्के हल्के कंधे में से दर्द हो रहा है। जनरली मुझे होता नहीं, बट आई गेस क्योंकि आज मैं पूरे दिन यहीं पड़ी रही हूँ और मैंने फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं किया है शायद इसलिए, बट आई जस्ट फील थोड़ा सा होता है ना जब ट्रैवल कर लिया हो बहुत ज़्यादा, आपने आप ट्रेन में जा रहे हो, आप कार से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लो, वैसी वाली थकान। बट आई एम सो शॉक्ड कि एक भी छिपकली है कैसे नहीं, यहाँ बहुत छिपकलियाँ होती हैं।
ठीक है, दे आर ट्रीटिंग मी वेल। अब मैं भी उनको देखा चीखूंगी नहीं, मैं भी थोड़ी उनकी इज्जत करूंगी। ये मैंने दूसरी बार क्रॉस कर लिया जान में। मैडम यहाँ पर अपना फोन चला रही हूँ। हेलो मैम, ट्राइंग टू स्लीप पर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कान में या तो वहीं आजू बाजू था या अंदर गया, और बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं। I don't have towel. Good morning guys, I am so happy. मुझे इतनी ज़्यादा मज़ा आई है बाहर सोने में। अभी एक्चुअली मम्मा ने फैन वगैरह हटा दिया था क्योंकि अंदर झाड़ू पोछा वगैरह होगा, यहाँ पे भी होगा ऑब्वियसली, बट आई एम सो हैप्पी। तो मुझे हल्का हल्का यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है, वो मुझे ना मेरे वाले गद्दे पे सोने की आदत है, तो ये वाला जो गद्दा है ना इससे मुझे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो हो जाता है ना, वो जो भी होता है। बट या आई एम सो सो हैप्पी एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रश माई टीथ। तो अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं हमारा चैलेंज फिनिश होने में, और यस आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे बहुत मजा आई चैलेंज करने में। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना बेस्ट पार्ट क्या था और आप और क्या देखना चाहते हो। आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।